बेटा इसमें क्रिया पढ़ा, ठीक है, क्रिया क्यों कहते हैं, इस बारे में बात करा, क्रिया में परिभाषा ही क्यों की है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, इस बारे में मेरी गल जी करा। पहला स्टेटमेंट है क्रिया जी है वो की होती है, कहते हैं जिना शब्दों को किसी काम के कारण होन सहन आदि का सहन आदि बारे कार सहित पता लगे उस क्रिया कहते हैं, यानी कि काम जो कर रहा है या होन दिया है या सहन दिया है इस बारे जो पता लगे इसमें जो क्रिया जरा वो कह देंगे, ठीक है। क्रिया जी है दो प्रकार की, एक है अकर्मक क्रिया एक है सकर्मक, ठीक है। हम अकर्मक क्रिया की है सकर्मक क्रिया की है थोड़ा समझना पैना हों, पहला स्टेट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिहड़ा वाक कर्म तो बिना हो, यानी कि कोई काम किया जा रहा है बट वो काम का पता हो, जिदा फॉर एग्जाम्पल तौर पर उदाहरण तौर देखिए धोबी धो रहा है बट वो की धो रहा है, ठीक है, वह कर्म मिसिंग है, यानी कि जब हम धोबी कपड़े धो रहा है तो कपड़े जो मिसिंग है वो कर्म। जे कोई काम कोई का कर रहा है पर काम का सू पता ना हो कर्म जो कह देना है, इस करके पहली किस्म बन गया अकर्मक क्रिया। यानी दूसरी किस्म की तरफ करिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिहड़ी क्रिया कर्म सहित हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछे धोबी कपड़े धोया है, इन्हें विच कर्म जरा से ना इन्हें विच कर्म जरा वो आ गया जिन्ना है जरा से कपड़े जरा शब्द ये कर्म आ गया पर इन्हें विच जरा से वो कर्म नहीं सी ये मिसिंग सी। इस करके अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया विच फर्क जरा होया है कि अकर्मक क्रिया विच जरा वाक कोई बनाया था वो कर्म तो बिना हुंदा, इन्हें विच कर्म जरा मेंशन नहीं हुंदा, तो सकर्मक क्रिया विच की हुंदा कर्म सहित हुंदा कि उहदा कर्म भी जरा वो मैंशन किया जाता है जो जो है की है। ये बेटा क्रिया ये तुम उदाहरण के तौर पर समझा दिता, ये एक बार रिवाइज भी करा दी है, ऑलरेडी मैं यूट्यूब से वीडियो भी बना के पा चुका, तो ये चंगी तरह देख लो समझ लो, जो कोई फिर भी डाउट हो तो कॉल करके मैं डाउट क्लियर कर सकते हैं।